ठीक है, तो एंटमोलॉजी, सेकंड का लेक्चर नंबर सेकंड कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी इन पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट के मैनेजमेंट में, पेस्ट के मैनेजमेंट में इकोलॉजी की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। फर्स्ट क्या होता है कि पॉपुलेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है पेस्ट की? क्योंकि हम जो अनयूजफुल थिंग्स होती हैं, जो अनयूजफुल थिंग्स जो होती हैं उनका यूज़ करते हैं, यूजफुल यूज़ करते हैं हम, जैसे कि पेस्टिसाइड्स का और HYV सीड्स का ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, HYV सीड्स का ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हम यूज़ जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, जैसे कि ज़्यादा इरिगेशन हो जाती है, ज़्यादा हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर देते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये किसको अफेक्ट करती हैं? ये अफेक्ट करती है हमारी प्लांट की ईल्ड को, ठीक है। इसलिए जो हम इकोलॉजी को जो हम पढ़ते हैं पेस्ट के मैनेजमेंट में, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में क्या जाती है, अनबैलेंसनेस, अनबैलेंसनेस आ जाती है इनकी, अनबैलेंस हो जाता है हमारा नेचर में, अनबैलेंस आ जाती है हर, क्योंकि हर साल जो है वो क्या होता है, पेट्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे कि सपोज करो कि इस साल हमारे जो था वो राइस का फील्ड था, इस साल हमने फिर नेक्स्ट ईयर हमने वीट बो दी, इसके बाद फिर हमने राइस बो दी, तो क्या होगा कि इस फील्ड की जो हमारे कीट थे, जो पेस्ट थे, इसके जो पेस्ट थे वो हमें इसमें नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इस फसल को जब हम बोएंगे तो हमें फिर दिखाई देंगे, और विद पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ वो दिखाई देंगे, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है, ये इसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या आ जाती है, एनवायलेंस, बैलेंस जो है वो अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। इकोलॉजिकल यानी कि जो पेस्ट की जो अप्रोच है, यानी कि जो पेस्ट की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के मेजर्स भी हमें पता होने चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। काफ़ी सारी जो हमारी इकोलॉजिकल स्टडीज असिस्ट पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम बाय एक्सप्लेनिंग पेस्ट प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिंग अल्टरनेट वेज ऑफ कॉम्बेटिंग इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग वेज यूज़ करने चाहिए हमें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेज यूज़ करने चाहिए, जिससे हम इनकी पेस्ट की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये किस वजह से होते हैं, क्या मतलब इनको, क्या इनको टेम्परेचर चाहिए, क्या इनको रेनफॉल चाहिए, क्या क्या इनके मतलब सारी ही चीज़ें, सारी चीज़ें जिसकी वजह से इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होती हो, हमें सब कुछ जानना ज़रूरी है। चौथा, हम स्प्रे मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं इनको रिमूव करने के लिए। फोर्थ, हम डिसीज रेसिस्टेंस वेराइटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट रेसिस्टेंस यानी कि पेस्ट से जो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस वेराइटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस वेराइटीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ क्या हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, यानी कि जो इनका एग वाली, जो इनका लार्वा वाली, लार्वा वाली जो इनकी कंडीशन आती है उसके दौरान स्प्रे करें या उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि पॉपुलेशन में क्या आएगा, पॉपुलेशन बढ़ने से हम उनको रोक सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं इंसेक्ट्स को क्या करने के, पकड़ने के, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रैप क्रॉप्स यानी कि उन पर उन्हें पकड़ने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कुछ लगा सकते हैं। थर्ड चीज़ आती है कि एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके एनिमीज होते हैं, तो हम उनके एनिमीज का उन्हीं की जगह पर यूज़ करके भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनके एनिमीज का जो एनिमीज उनके जो दुश्मन होते हैं उनका यूज़ करके भी हम उनको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा, हमने कहा था कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो एबायोटिक और एक बायोटिक, यानी कि कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स कुछ होते हैं हमारे
फिजिकल फैक्टर्स फैक्टर्स ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे वही आते हैं बायोटिक, इसमें हमारे वही आते हैं एबायोटिक, ठीक है, बायोटिक अबायोटिक से रिलेटेड है। सेकेंड इसमें आता है, इसमें इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं टेम्परेचर, वाइन, ह्यूमिडिटी, लाइट, ये सभी चीज़ें इसके एग्जांपल्स हैं। इसके हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, डिसीज, पैरासिटर, प्रेडिक्टर्स, ये सभी चीज़ें इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। किसके, एबायोटिक के, जो नॉन लिविंग है, जो बीमारी है, जो पैरासाइट्रोड्स हैं, जो पैरा प्रेडिक्टर्स हैं, सभी इनके क्या हो सकते हैं, ये सभी हो सकते हैं हमारे एबायोटिक, ठीक है। अब हम वन बाय वन बात कर लेते हैं, फर्स्ट टेम्परेचर की, वाइन की, ह्यूमिडिटी की, लाइट की। अब हम पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि नहीं, फर्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर्स की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम एबायोटिक की बात कर लेते हैं। एबायोटिक यानी कि फिजिकल फैक्टर्स की, फिर कहें फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें सभी को पता है कि अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स को अलग अलग तरह के टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अब टेम्परेचर की वजह से जो इफेक्ट होते हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट होता है इंसेक्ट की ग्रोथ इफेक्ट होती है, इंसेक्ट ग्रोथ इफेक्ट, हमें सभी को पता है पहला टेम्परेचर की वजह से इंसेक्ट्स की ग्रोथ इफेक्ट होती है। दूसरा क्या होता है, उनके जो फूड सोर्सेज होते हैं, उनके जो फूड सोर्सेज होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, फूड सोर्सेज अफेक्ट, ये दोनों चीज़ें हमारी इफेक्ट होती हैं टेम्परेचर की वजह से। एबायोटिक फैक्टर्स में हम टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। इंसेक्ट्स की बॉडी का टेम्परेचर, जो इंसेक्ट होता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होता है। एनिमल्स जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड, एक होते हैं होल्ड ब्लडेड, या फिर कहें वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। अब कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड किनको कहेंगे और वार्म ब्लडेड किनको कहेंगे, जिनका जो टेम्परेचर होगा, जिन एनिमल्स का टेम्परेचर, ठीक है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर और एनवायरमेंट का और उनकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहेगा, बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड रहेगा या फिर कहें हम सेम रहेगा, ठीक है। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनकी सॉरी ये जो कोल्ड ब्लडेड है इनमें फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है, और जो वार्म ब्लडेड है इनमें क्या रहेगा, इंसेक्ट का और इसकी बॉडी का, इंसेक्ट की बॉडी का और एनवायरनमेंट का, दोनों का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, इसमें फिक्स्ड या फिर हम कहें सेम रहेगा, ठीक है, फिक्स्ड या फिर हम कहें सेम रहेगा। और सेम नहीं रहेगा वो किसका नहीं रहेगा, कोल्ड ब्लडेड में सेम नहीं रहेगा, लेकिन वार्म ब्लडेड में दोनों ही क्या रहेंगे, सेम होंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो इसमें एग्जांपल आता है इंसेक्ट्स का, अगर इसमें हम बात करें तो इसमें एग्जांपल आता है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, दोनों की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग तरह के टेम्परेचर की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, समझ में आया कि जो हमारा टेम्परेचर होता है उसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है, इंसेक्ट की ग्रोथ अफेक्ट होती है, दूसरा फूड सोर्सेस अफेक्ट होते हैं, तीसरा दो तरह के होते हैं कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जब इंसेक्ट की बॉडी का और जो एनवायरमेंट की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो सेम नहीं रहेगा, अलग अलग टेम्परेचर होगा, एग्जाम्पल है इंसेक्ट। वार्म ब्लडेड वो होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का और जो हमारा एनवायरनमेंट है उनका जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम फिक्स रहेगा, एग्जांपल होता है ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है।
ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर, इससे ऊपर हमारा हाई टेम्परेचर होगा, इससे नीचे हमारा लो टेम्परेचर होगा, हाई होगा इधर लो होगा, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर जो इंसेक्ट है वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सर्वाइव करे, गुड सर्वाइव करे, मतलब उसे खाने के लिए, किसी भी चीज़ के रहने सहने के लिए, मतलब कोई भी ऐसी उसे कोई कंडीशन उसे अफेक्ट ना करे, वो एक अच्छी लाइफ अपनी जी पाए। हम कहते हैं ना कि मतलब नॉर्मल इंसान अच्छी लाइफ जी लेता है, ज़्यादा पैसे वाला और ज़्यादा कम वाला, यानी कि नॉर्मल इंसान जो होता है, जो नॉर्मल, जिसके पास ना ज़्यादा पैसे हैं ना ज़्यादा कम पैसे हैं ना ज़्यादा पैसे हैं, वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी लेता है, उसकी लाइफ में क्या नहीं होती, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। ज़्यादा पैसे वाले की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, क्योंकि उसके आसपास के दुश्मन ज़्यादा होते हैं। कम पैसे वाले की क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता तो काफ़ी चीज़ को वो खरीद नहीं पाता, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि एक ऐसी टेम्परेचर जहाँ पर ना ज़्यादा ना कम हो, बीच वाला, जहाँ पर एक इंसेक्ट अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सके, वो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। एक आता है नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर, इसकी भी डेफिनेशन कई बार हमसे पूछ ली जाती है कि नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज़ नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स हैव डिफरेंट डिफरेंट फिक्स टेम्परेचर्स फॉर सर्वाइव देयर लाइफ, होता है नहीं। ये किसको रेफर करता है कि अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के अलग अलग डिफरेंट टाइप वैरायटीज ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि अलग अलग तरह की वैरायटीज जो होती है इंसेक्ट्स की, उनको डिफरेंट एनवायरमेंट ये टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हमें पता है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो उनके अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग, उनकी अलग अलग, उनके लाइफ के जीने के लिए उनके अलग अलग जो प्रेफरेंडम होते हैं, सिंपल सी बात है कि उनके अलग अलग लाइफ को जीने के तरीके, कि किसी को ठंडा मौसम चाहिए, किसी को गर्म मौसम चाहिए, किसी को नॉर्मल मौसम चाहिए, उन सभी कंडीशंस को क्या कहते हैं, नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जब अलग अलग वेराइटीज़ को उनके अलग अलग फिक्स टेम्परेचर पर सर्वाइव करने के लिए एलो किया जाए, वही क्या कहलाता है, हमारा नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में, यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें भी दो तरह के होते हैं, मतलब अभी हमने पढ़ा था एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, यानी कि इधर हमारा बढ़ेगा प्लस होगा, इधर हमारा क्या होगा टेम्परेचर नेगेटिव होगा, यहाँ हमारा ऑप्टिमम होगा क्योंकि नॉर्मल होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यानी कि क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है लोअर टेम्परेचर, देखो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ पर क्या होगा लोअर टेम्परेचर, ये चीजें हमने पढ़ी, यहाँ पर हाई होगा यहाँ पर लो होगा। तो जब जब एक इंसेक्ट, ठीक है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, दोनों टेम्परेचर को सहन कर ले, दोनों टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता रखता हो, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर। जिस पर जिस कंडीशन में एक इंसेक्ट अपने आप को क्या कर ले, बिल्कुल सहन कर ले। और अगर हम बात करें कि कितने से कितना होता है इंसेक्ट्स की, कितना रेंज का टेम्परेचर ज़रूरी होता है, 0 to 50 degrees Celsius के बीच में इंसेक्ट्स जो है वो टेम्परेचर को क्या कर सकता है, टॉलरेंस कर सकता है, मतलब उसको क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, ठीक है। ये समझ में आया 0 to 50, यानी कि दोबारा देख लेते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर किसको बोलते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर तो ना तो ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा हो, उस टेम्परेचर बीच वाले टेम्परेचर जिस पर एक इंसेक्ट जो है अपने आप को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसके बाद नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अलग अलग वेराइटीज़ जो होती है इंसेक्ट्स की, उनको अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट या फिर अलग अलग टाइप का टेम्परेचर की ज़रूरत होती है रहने के लिए, और वो अलग अलग टेम्परेचर में अपने गुड तरीके से, यानी कि गुड सर्वाइवनेस वो अपनी कर पाती हैं, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अलग अलग वेराइटीज़ का फिक्स्ड अपना अच्छे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फिक्स टेम्परेचर होता है, उसी को क्या बोलते हैं नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर, ठीक है।
ये तो है जिसमें एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सर्वाइव अच्छे से कर पाए, ये है एक फिक्स्ड टेम्परेचर अलग अलग वैरायटीज का, ठीक है, नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद है एक ऐसा टेम्परेचर ना जहाँ पर ना तो ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा कम हो, मतलब ना तो ऊपर की तरफ ज़्यादा और जो नीचे की तरफ कम है, उन दोनों को मिलाकर एक क्या टेम्परेचर बनता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि एक ऐसा इंसेक्ट जो क्या कर पाए, एक ऐसा टेम्परेचर जो क्या मतलब एक ऐसा इंसेक्ट जो ना तो ज़्यादा कम या फिर कहीं ऊपर और लोअर, यानी कि दोनों तरह का जो टेम्परेचर है उसको सहन कर पाए, इसको क्या बोलते हैं हम, रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर टॉलरेंस। यानी कि एक ऐसी टेम्परेचर की एक ऐसी सहन शक्ति वाली रेंज, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा 0 to 5 degree यानी कि 0 to 50 degree तक इंसेक्ट्स का क्या होता है, टेम्परेचर होता है जिसको वो सहन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन केस क्या है, डायपेट्रा, डायपेट्रा होता है वो 55 degree Celsius से हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है। अभी हमने क्या पढ़ा, 0 to 50 degree तक पढ़ता है, यहाँ तक सहन कर सकता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन केस है कि डाइपेट्रा जो हमारा सर्कुलरेंडी फैमिली से है वो हमारा 55 degree Celsius से ज़्यादा जो टेम्परेचर है इस पर सर्वाइव करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ग्रास ओपर की बात करते हैं, ग्रास ओपर की अगर हम बात करते हैं तो वो 60 degree से भी ऊपर के टेम्परेचर पर क्या करता है, सर्वाइव करता है। इसी तरह से हम अगर स्नो बैटल की बात कर लेते हैं, स्नो बैटल की अगर हम बात कर लेते हैं तो 0 degree Celsius से भी लो टेम्परेचर तक बात करती है। तो हमने यहाँ से कभी यहाँ से यहाँ तक पढ़ा यानी कि 0 degree से 50 degree Celsius तक हमारा जो कोई भी इंसेक्ट है वो नॉर्मल इंसेक्ट हमारा सहन कर सकता है। लेकिन ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है जिसमें डाइपेट्रा 55 से अबव टेम्परेचर पर और ग्रासहॉपर 60 से ऊपर टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाता है और स्नो बैटल जो है वो 0 degree से भी लो टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। ये क्या है, हमारे एक्सेप्शन केस। इसमें अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड हम पढ़ते हैं मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर, मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर। ये दो वर्ड्स हैं, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर का टॉपिक लास्ट हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर में से आ जाता है। इसी तरह से मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है और मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर क्या है, इसका भी हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जैसे हम मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर इंसेक्ट जो है वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है एक फ्रीडम वे में, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर फ्रीडम लाइफ हो इंसेक्ट्स की, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर जो इंसेक्ट है उसकी कैसी लाइफ हो, बिल्कुल फ्रीडम, यानी कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जी सकता है, उसको किसी भी तरह की चीज़ों से कॉम्पिटिट नहीं करना पड़ेगा, उसको खाना अच्छे से मिलेगा, उसको जो चाहिए वो अच्छे से मिलेगा, वो अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक इंसेक्ट अपनी लाइफ को बिल्कुल फ्रीडम वे से जी सकता है, उसको बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर क्या होता है। मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर वो होता है जिसमें एक इंसेक्ट अच्छे से रह पाए लेकिन एक फ्रीडम वे में नहीं रह पा रहा, रह तो पा रहा है ठीक से लेकिन एक फ्रीडम वे में नहीं रह पा रहा, और मतलब उसको अपनी पूरी एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, और क्या हो रहा है कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, यानी कि एक इंसेक्ट की नॉन फ्रीडम लाइफ, नॉन फ्रीडम लाइफ ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, एक इंसेक्ट की नॉन फ्रीडम लाइफ, उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर और मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, एक इंसेक्ट की बिल्कुल फ्रीडम लाइफ। यहीं पर हमारा टेम्परेचर का टॉपिक खत्म होता है। एक बार आप फिर देख सकते हैं डाइपेट्रा, ग्रासहॉपर, स्नो बीटल, ये हमारे एक्सेप्शन केस में आते हैं क्योंकि हमने पढ़ा 0 से 50, ये हमारे 55 से अबव जाता है, 60 से अबव ये 0 से नीचे जाता है। मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर एक इंसान के सॉरी इंसेक्ट की फ्रीडम लाइफ, और मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर एक इंसान सॉरी एक इंसेक्ट की नॉन फ्रीडम लाइफ, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ह्यूमिडिटी की, किसकी, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है आर्द्रता, क्या होता है आर्द्रता।
यानी कि किसमें कितनी आर्द्रता पाई जाती है, किसमें कितनी नमी पाई जाती है, यानी कि किसमें कितनी नमी पाई जाती है किसमें, यानी कि वाटर एवोपोरेशन द फाइंडिंग ऑफ मॉइस्चर, यानी कि कितना हमारे एनवायरनमेंट में मॉइस्चर पाया जाता है, किस चीज़ में कितनी जो है मॉइस्चरनेस पाई जाती है, वो चीज़ क्या कहलाती है हमारी ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता। अब इसमें भी ऐसे आता है जैसे हमने पढ़ा था ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी आता है, इसी तरह से हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर में पढ़ा, क्या पढ़ा था कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर ना ज़्यादा ज़्यादा हो ना ज़्यादा कम हो, बीच वाला टेम्परेचर जहाँ पर एक इंसेक्ट अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सकता है, ऐसे ही ह्यूमिडिटी में, यानी कि ना तो ज़्यादा के बीच में ना कम के बीच में, मीडियम वाला एक ऐसी ह्यूमिडिटी जिस पर एक इंसेक्ट अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की जो लाइफ है वो क्या ना हो, अफेक्ट ना हो, उसको क्या बोलते हैं ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरह बिल्कुल सेम है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी, एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी। एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी क्या होती है? एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी होती है कि जो एयर द फाइंडिंग ऑफ मॉइस्चर, यानी कि जो भी एयर में हमारा मॉइस्चर पाया जाता है, एयर में जो मॉइस्चर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसी तरह से ह्यूमिडिटी प्रेफेंडम कब होगी, जैसे हमने टेम्परेचर को प्रेफेंडम पढ़ा था, इसी तरह से ह्यूमिडिटी प्रेफेंडम कब होगी, यानी कि इस लेवल पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो कैसी होगी, मीडियम होगी, ऑप्टिकल ह्यूमिडिटी यहाँ पर होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर हमारी ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। इसी तरह से ये हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी परफेंडम, यानी कि जहाँ पर हम हाई ह्यूमिडिटी और लो ह्यूमिडिटी को क्या करें, शो करें, वो क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी प्रीफेंडम, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल में हम ले लेते हैं जो शहतूत का पेड़ होता है उसका लार्वा, उसका जो लार्वा होता है उस वो लार्वा में ही रहता है, वो प्यूपा में चेंज नहीं होता, ठीक है। शहशूत का जो पेड़ होता है, शहतूत जिसको हम खाते भी हैं, ठीक है, शहतूत, इसका जो पेड़ होता है इसमें क्या, इसका जो लार्वा होता है वो हमारा प्यूपा में चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है, इसका हमारा प्यूपा में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है वो हाई पाई जाती है। ह्यूमिडिटी कैसी पाई जाती है? हाई, ठीक है, आगे समझ, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसी में अगर हम बात करें रेगिस्तानी टिड्डी यानी कि जो जिसको हम सेस्ट्रोकेरा भी बोलते हैं, वो 32 डिग्री सेल्सियस से 5 टेम्परेचर तक क्या कर सकती है, अपनी लाइफ को गुजार सकती है। इसमें ह्यूमिडिटी हमारी 80% पाई जाती है, 80% हमारी ह्यूमिडिटी में पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो होते हैं रेगिस्तानी टिड्डी में, इसमें ये एग दे देती है, एग से हमारे लिम्प भी बाहर निकल जाते हैं, लिम्प्स भी हमारे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये एग जो है ये हैच, ये जो लिम्प्स हैं ये हमारे हैचड नहीं हो पाते, किसकी वजह से, ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से, तो इंसेक्ट की लाइफ को ज़्यादा मॉइस्चर भी अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके जो इंसेक्ट्स होंगे रेगिस्तानी टिड्डी के जो एग हैं वो ये दे देगी, लिम्प भी इसके निकल आएंगे, लेकिन इसके जो हैं हैचड नहीं होते, जिससे एक लार्वा पोजिशन बनती है, वो उसमें हैच नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें 80% ह्यूमिडिटी पाई जाती है, ठीक है। यदि लो ह्यूमिडिटी पाई जाएगी, ठीक है, लो ह्यूमिडिटी पाई जाएगी तो सिंगल, यानी कि क्या होगा, देखो अगर हमारी लो ह्यूमिडिटी पाई जाएगी तो जो इंसेक्ट है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। अब जो इंसेक्ट है उसकी लाइफ में हमारी क्या प्रॉब्लम्स आएंगी कि जब यदि देखो लो ह्यूमिडिटी पाई जाएगी, ठीक है, तो जो हमारी टिड्डी होती है उसके जो एडल्ट होंगे, टिड्डी के जो एडल्ट होंगे वो सिंगल सिंगल पाए जाएंगे, सिंगल सिंगल फेस में पाए जाएंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिटरी फेस, जब हमारे सिंगल सिंगल फेस में पाए जाते हैं। और कब पाए जाते हैं? जब हमारी लो ह्यूमिडिटी होती है। जब हमारी हाई ह्यूमिडिटी होगी, जब हमारी
हाई ह्यूमिडिटी होगी उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस फेस, यानी कि उसमें हमारे जो एडल्ट होंगे वो किस फेस में पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे हमारे ग्रुप फेस में, ग्रुप में पाए जाएंगे। ठीक है, जब जो हमारे एडल्ट हैं वो सिंगल फेस में पाए जाते हैं उसको सॉलिटरी फेस बोलते हैं, जब हमारे जो एडल्ट हैं वो हमारे ग्रेगेरियस फेस यानी कि ग्रुप फेस में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस फेस। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया ह्यूमिडिटी का, ह्यूमिडिटी का भी समझ में आया हो गया। एक्सेप्शन केस क्या है कि 80% से हाई ह्यूमिडिटी अगर पाई जाती है तो क्या होता है कि जो हमारी रेगिस्तानी टिड्डी है वो एग तो दे देती है और लिम्फ भी निकल जाते हैं लेकिन हैचर्ड नहीं हो पाते। और यदि अगर हमारा लो ह्यूमिडिटी होगा उसको बोलते हैं सिंगल फेस, क्योंकि इसमें एडल्ट जो है वो हमारे सिंगल फेस में निकलते हैं उसको हम सॉलिटरी फेस बोलते हैं, और हाई ह्यूमिडिटी होगा तो इसमें ग्रेगेरियस फेस बोलते हैं क्योंकि ग्रुप फेस में हमारे जो इंसेक्ट्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइट की, व्हाट इज लाइट, लाइट कैसे इफेक्ट करती है, लाइट कैसे इफेक्ट करती है। ठीक है, लाइट देखो, लाइट में से हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन जिन चीज़ों की जो डेफिनेशन है वो पूछी जाती है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि किस किस चीज़ की जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, पूछी जा सकती है। जैसे कि हाइबरनेशन क्या होता है, हाइबरनेशन क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है। फोटोपीरियडिज्म क्या होता है, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। एस्टिवेशन क्या होता है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लाइट कम, लाइट से क्या मतलब है, रेनी सीजन्स में द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स कम ऑन और टूवर्ड लाइट, एग्जाम्पल टर्माइट। ठीक है, लाइट की तरफ जो अट्रैक्ट हो, जो इंसेक्ट लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो वो उसे क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल में होता है टर्माइट, वही लाइट से इफेक्ट होता है। जो जो इंसेक्ट है वो लाइट से इफेक्ट हो उन्हीं को क्या बोलते हैं, लाइट से, कि ये एबायोटिक फैक्टर्स में लाइट से क्या होंगे, लाइट से मतलब जो इंसेक्ट जो है वो लाइट से अफेक्ट हो, जैसे कि लाइट से टर्माइट इफेक्ट होती है। ठीक है, रेनी सीजन्स में हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे से कीड़े जिनको हम टर्माइट बोलते हैं, तितली सी तरह के टर्माइट, वो हमारे आ जाते हैं बल्ब के पास। ठीक है, वो लाइट से अफेक्ट होते हैं। लेकिन ये बात भी एग्जांपल में अगर हम कहें कि ये 24 घंटे हमारे ये एक्टिव नहीं रहते, इनको खाना भी ज़रूरी होता है, इनको यहाँ से जाना भी ज़रूरी होता है, यानी कि हमारे कुछ टाइम के लिए आते हैं, ये हमेशा नहीं आते। ठीक है, इनका भी एक लिमिट टाइम होता है कि ये तभी आएंगे। ठीक है, अब ये भी हमारा आगे तीन भागों में बांटा गया है, फर्स्ट है डस्क, सेकेंड है डर्नल, थर्ड है नेक्टरल। ठीक है, अब ये जो ये डस्क होता है इसमें ऐसा टाइम जहां पर ना तो दिन हो ना ही नो नाइट, ना तो दिन हो ना रात, यानी कि 5 to 6 PM ऐसा वाला टाइम उसको रेफर करता है। ठीक है, इसके बाद डर्नल जो है वो हमारा डे टाइम को रेफर करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्टोरियल जो है वो हमारा नाइट टाइम को यूज करता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें नेक्टोरियल में जो डे टाइप में आता है उस एग्जाम उसका नाम है डेमोरी, जो दिन के समय आता है वो है एडीज मॉस्किटो, जिसके वजह से हमें एड्स बीमारी हो जाती है। ये है इनके एग्जांपल्स, जो दिन के समय रात के समय आते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं इनको मारने के लिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो हमें पता है जो दिन में आएंगे, हमें इनका टाइमिंग भी पता है कि इस टाइम क्या होता है, डस्क वाला टाइम होता है, इस टाइम हमारा डायनल टाइम होता है, इस टाइम हमारा नेचुरल टाइम होता है, नाइट के टाइम, नाइट के टाइम हम नाइट, हमें पता है इस टाइम आएंगे तो उससे पहले स्प्रे करके रखो, इस हमें पता है इस टाइम आएंगे तो इससे पहले हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, इससे हमें पता है इन टाइम दोनों के टाइम के बीच में आएंगे तो इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो हमारी पेस्टिसाइड है उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट का टॉपिक भी अब हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एयर टॉपिक, एयर की, एयर क्या होता है, एयर हमें पता है क्या होता है, हवा। इसकी वजह से हमारे बहुत सारे इंसेक्ट्स की लाइफ अफेक्ट होती है, जैसे इनकी वजह से वो अपने आप को क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, ये फ्लाइंग नहीं कर पाते, सिंपल सी बात है, वो अपने फ्लाइंग नहीं हो पाते। ठीक है, इस चीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जो क्या होती हैं जैसे तितलियाँ वगैरह होती हैं, बटरफ्लाइज वगैरह, वो क्या होती हैं, वो हवा की वजह से उड़ नहीं पाती।
ठीक है। एग्जाम्पल में इसका लेते हैं कि इसमें सारे वीकर फ्लायर आते हैं, जितने भी वीकर फ्लायर होते हैं सब आते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं लीफ होपर, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे हवा की वजह से काफ़ी टाइम, मतलब कई बार कई हवा की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं, कई बार कोल्ड एयर, वार्म एयर, इनकी वजह से भी काफ़ी, हमने देखा ना गर्मियों में मच्छर मर जाते हैं जब लू चलती हैं, जब ठंड पड़ती हैं तो ठंडी वाली हवा में मच्छर ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये चीज़ें भी इनको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है कि इनका जो रेट है वो इनकी बॉडी पर बहुत अफेक्ट होता है, एयर के थ्रू भी, ठंडी गर्म हवा भी इनको अफेक्ट करती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वाटर की, व्हाट इज़ वाटर, वाटर कैसे अफेक्ट करता है, वाटर की वजह से भी अफेक्ट होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं लार्वा ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के लार्वे को हम केरोसिन ऑयल से मार सकते हैं, किसकी वजह से, किससे, केरोसिन ऑयल से, ठीक है, कि लार्वे को मार सकते हैं हम, सिर्फ लार्वे को, ताकि वो एडल्ट में ना बन पाए, एडल्ट में ना बन पाए, ठीक है। क्योंकि पहली जब बारिश होती है तो मेल और फीमेल जो हैं, जो मेल और फीमेल होते हैं वो एक दूसरे के मतलब कम्स आउट बाहर निकल के आते हैं, मेल और फीमेल, फिर क्या होता है, इनसे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, मेच्योर होने लगते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब इन्हें प्रॉपर मात्रा में मॉइस्चर मिल जाता है तो ये लार्वा जो है इनके बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कब, रेनी सीजन में, पहली बारिश के बाद ज़्यादा मच्छर आते हैं। जब लार्वा बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो उसकी सतह पर बनता है, किसकी, पोंड लेक वगैरह पानी की सतह पर बनता है, उस पर केरोसिन ऑयल डाल दीजिए, उससे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडिफिक फैक्टर, व्हाट इज एडिफिक फैक्टर, ठीक है। एडिफिक फैक्टर्स, कुछ एडिफिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एडिफिक फैक्टर्स मतलब सोइल स्ट्रक्चर जो होती है वो इंसेक्ट की लाइफ पर अफेक्ट डालती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वेज में, यानी कि जो सोइल है वो काफ़ी चीज़ों में उन पर अफेक्ट डालती है। कई बार कोई इंसेक्ट होते हैं जिनको भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ को जीने के लिए, या कई मतलब हर इंसेक्ट्स का जो घर होता है मिट्टी में, वो अलग अलग तरह की मिट्टी में होता है, इसी तरह से इनको रहने के लिए और मिट्टी भी इनको अलग अलग तरह की मिट्टी चाहिए, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मिट्टीज, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स इनको अफेक्ट करती हैं, देयर लाइफ, इनकी लाइफ को अफेक्ट करती हैं। इसमें एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं लोमी सॉइल, फर्स्ट क्या है, लोमी सॉइल, लोमी सॉइल जो है वो बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है इंसेक्ट्स को अपने हैबिटाट के लिए, इंसेक्ट के हैबिटाट के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा बायोटिक फैक्टर रह गया है, बायोटिक फैक्टर हम कल करेंगे, ठीक है। बायोटिक फैक्टर जो रह गया है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं, इसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो अभी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा लगते हैं, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, मिलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एग्री स्पेशल नॉलेज, ठीक, आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्टली सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी, जो आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर वही आपको जो नॉलेज है वो मिलेगी, ठीक है। आपको आपके एग्ज़ाम में पास होने के लिए ये मोस्टली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्लासें, ठीक है। ये आपकी सिर्फ पढ़ाई के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि जो हमारी बुक्स होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, ठीक है, थीके? तो उनको हम कई बार सोचते हैं कि आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन ऑनलाइन भी सभी फ्री में अवेलेबल नहीं है, आपको यहाँ पर फ्री में सब कुछ मिलता है,
आप यहाँ पर फ्री में अपनी क्लासेस को ले सकते हैं। जो भी आपको क्लासेस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये क्लास चाहिए, सेमेस्टर की ये क्लास चाहिए, सेमेस्टर की आपको सभी क्लास मिलेंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।